Hey guys, what's up? आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छा होंगे। मेरा साथ है रिकी शर्मा। तो आप सब लोग जानते हैं मछली की दुनिया में रिकी शर्मा फ्लावर हंट का ब्रीडर है। तो दादा के साथ मुलाकात हुआ, मतलब फ्लावर हंट का जो कंपटीशन करा है दादा कोलकाता में, उस टाइम में मुलाकात हुआ। मतलब इनका जो नाम है, मतलब रिकी शर्मा कौन है मैं नहीं जानती, ठीक है, इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बार सुना, मतलब जो रहित प्रसाद उनका जो वीडियो किया और अमृत बंसाल उनका भी वीडियो किया, तो बहुत बार ही बोला रिकी शर्मा का पास में मछली लेके आए और बीट किया। तो दादा को मैं नहीं जानती, तो ये तो बहुत ही खराब बात है, मतलब मेरे हिसाब से। तो ठीक है दादा, तो आप कैसे हैं बताइए। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, मैं बिल्कुल सही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते या जानते, ठीक है, वो कोइंसिडेंट था कि आप बिना बोले आए थे और हम लोग को भी पता नहीं था आपके बारे में, तो चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब तो जान पहचान भी हो गई और लाइक साथ में भी वीडियो भी कर रहे हैं, बताइए। तो दादा आपका जो लोकेशन है, लोकेशन थोड़ा बता दीजिए। लोकेशन एक्चुअली दो तीन लोकेशन है हमारा, जहाँ पे हमारा स्टॉक पॉइंट रहता है। एक मलिक बाजार है, एक यहाँ पे संतोषपुर पे है और एक पिकनिक गार्डन पे है। ये तीन लोकेशन है हमारा जहाँ पे आपको स्टॉक अवेलेबल मिलता है। तो बेसिकली आप किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं अभी? ध्यान तो जो हम लोगों ने एक्वाबडी का प्रोडक्ट बनाया है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रीडिंग था तो ब्रीडिंग हम लोग मैंने बहुत दिनों से पहले से स्टार्ट किया, तो ऑफ एंड ऑन हमारा रहता है। बट अभी जो ब्रीडिंग का है, अभी ब्रीडिंग थोड़ा सा हम लोगों ने रैप अप करके रखा हुआ है और अभी इंपोर्ट में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो भी प्रीमियम और एक्जॉटिक फ्लावर हॉन्स है वो हम लोग रखते हैं, लाइक नॉर्मल सभी रखते हैं, तो अपने थोड़ा एक्जॉटिक में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अभी पूरा का पूरा फोकस है एक्वाबडी प्रोडक्ट पर अपना। खुद का ही मतलब मैन्युफैक्चरर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल खुद का मैन्युफैक्चरर है। ये 2019 में हम लोगों ने बिल्डअप किया था। अच्छा। नॉट 2019, आई गेस 2020 में। 2020 में किया था। उस टाइम बहुत ही मतलब पेंडेमिक सिचुएशन था। हाँ, तो एक्चुअली इसके पीछे भी एक एक्वाबडी आने का बहुत बड़ा रीज़न है। आई रियली बहुत अजब लगेगा आप लोगों को सुन के कि थैंक यू दे रहा हूँ पैंडेमिक सिचुएशन को, सबके लिए बहुत दुखद मैं था, हमारे लिए भी था। बट उसी दौरान हम लोगों ने लाइक ये सोचा कि कैसे इसको लाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ करता था, चाइना बेस्ड था तो वो इंपोर्ट होता था वहाँ से, तो मैं तब एरवाना में ज़्यादा फोकस कर रहा था, तो मेरे एरवाना को बहुत दिक्कत हो रहा था कि लाइक वो उसको नहीं मिल रहा जो हम एसेंशियल डालते थे, जो भी प्रोडक्ट डालते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये जब तक नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूँगा, तो फिर हम लोगों ने लाइक दिमाग लगाया एंड वी केम अप विद एक्वाबडी। अच्छा, तो आपका जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का थोड़ा दो तीन नाम बता दीजिए। एक्वाबडी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक्वाबडी के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट लाने वाले, क्योंकि कंपनी का नाम जो हमारा है वो जो ब्रांड का नाम है दैट इज एक्वाबडी, और एक्वाबडी प्रोडक्ट का भी नाम था वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट था 2020 में हम लोगों ने जब रिलीज़ किया था, दैट इज़ एक्चुअली वो स्ट्रेस फ्री और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के दोनों का कंबाइंड था, जो मार्केट में आपको अलग अलग खरीदना पड़ता है। तो ये दोनों कंबाइंड में कॉम्बिनेशन में क्या है कि आप जब आप डालते हो आपकी फिश स्ट्रेस फ्री रहती है, आपकी फिश की पिगमेंटेशन बहुत हाई रहती है, जो भी उनका कलर होता है कलरेशन वो अच्छा जाता है, थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रखता है फिश का, जो कि वो फाइट बैक कर पाए किसी भी डिजीज़ के लिए। स्ट्रेस आपके फिश को बिल्कुल नहीं करता है, वो जितना भी स्ट्रेस रहता है तो उसको बहुत मतलब हद तक वो निकालता है, ब्रीडिंग पर्पज़ में बहुत सॉल्व बहुत हेल्प करता है, और जो सबसे बड़ा बात है जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है आपका फिश का, जैसे पू वगैरह हो गया, जो नाइट्रेट लेवल है वो सब डिकम्पोज करता है और पानी को क्रिस्टल क्लियर करता है, और बहुत सारी लाइक उसकी बेनिफिट्स है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ एक्वाबडी रखेंगे, फिर ग्रेजुअली लोग बोलते गए कि बहुत अच्छा हिट है तो चलिए इसको और कुछ प्रोडक्ट लाते, तो आज हम लोग 5-6 प्रोडक्ट लेके साथ में काम कर रहे हैं। मान चलिए कि आपका आपका पास आके अगर कोई लेंगे, मतलब एक्वाबडीज का जो प्रोडक्ट एक दो पीस आप देंगे? देखिए हम लोग हार्ड कोर सेलर नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि आप क्वांटिटी में लो कुछ भी लो, सब ये पैशन का बात है। आप एक पीस लो नहीं लो, अगर इसके बारे में बात करना है या आपको कुछ भी जानना है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर हबी। अब मैं आपको एक्वाबडी दिखाता हूँ, ये अपना एक्वाबडी का, अगर आपको ये फोकस हो रहा हो तो देखिएगा, फोकस हो रहा है ये देखिए एक्वाबडी है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आती है,
इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको जब भी आप वाटर चेंज करते हो, वाटर चेंज करने के बाद इसको बढ़िया से सेक करके, और इसका ये जो कैप है पीछे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये दो कैप आप डाल दीजिएगा, तो आपको आपका जो भी पानी का है, जो भी अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट के चलते अगर ब्राउन एल्गी भी आती है, वो भी ये बहुत टेक केयर करता है। तो सब कुल मिला के दिस हेल्प्स टू मेक योर वाटर क्रिस्टल क्लियर, दिस हेल्प्स टू बूस्ट योर फिश इम्यून पावर एंड मेनी मोर। तो ये है एक्वाबॉडी। इसके बाद हम लोगों ने लाया प्रोडक्ट है, जब एक्वाबॉडी के कुछ दिन बाद, लाइक एक साल बाद शायद, हम लोगों ने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए, तो हम लोगों ने ये मल्टी वाइटामिन लाया। मल्टी वाइटामिन अगर आपको दिख रही होगी तो ये देखिए मल्टी विटामिन है, ठीक। ये मल्टी वाइटामिन का जो है, जैसे एक्वाबॉडी और मल्टी वाइटामिन आप किसी भी फिश को डाल सकते हो। एक्वाबॉडी में क्या है कि आप मरीन टैंक में भी यूज़ कर सकते हो, प्लांटेड में भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें है कि आपका जो भी उसमें डोसेज है वो थोड़ा सा डिफर करता है, तो विल टेल यू ऑल अबाउट अगर आप लोग को लेना है या जानना है उसके बारे में। तो मल्टी वाइटामिन अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँ कि मेरा एक्वाबॉडी के जो भी हम लोग बनाते हैं, जो प्रोडक्ट है हमारा, वो अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम हमेशा रेकमेंड करना चाहेगा, दैट इज़ मल्टी वाइटामिन। दिस इज़ फॉर लाइक ऑल ट्रॉपिकल फिश। तो इसका जो सबसे बड़ा की फीचर है ना, कि जब भी आप फिश को आप बाहर से लाते हो या फिश को आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रांसशिपिंग में है, तो जो फिश बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है, तो उसको ये बहुत बढ़िया तरीका से ठीक रखता है कि वो स्ट्रेस में से जल्दी बाहर आ जाए। ये फ़ायदा है इसका जो है, जो भी इम्यून सिस्टम है, क्योंकि देखिए जो भी हम फ्लावर ऑन को या किसी भी फिश को जो फूड खिलाते हैं जनरली, उसमें सारा विटामिन आता नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें जो भी उसकी डिफिशेंसी रहेगी, जो भी उसकी ज़रूरत रहेगी, ये सारा का सारा चीज़ को फुलफिल करता है, जो भी उसको विटामिन लगता है। तो दिस इज़ दी लाइक टॉप रिकमेंडेड थिंग्स इन एक्वाबॉडी। और इसमें कलरेशन पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, अगेन ब्रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, किसी भी फिश के ब्रीडिंग के लिए, और आपका जो भी गट लोड में जो भी प्रॉब्लम होता है, ये सब बहुत ज़्यादा टेक केयर कर लेता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टीविटामिन। ओके ओके। तो ब्रदर, आई हैव वन क्वेश्चन देयर, सो सम पीपल्स वांट्स टू नो हाउ टू मेंटेन फ्लावर हॉर्न्स हेड। फ्लावर हॉर्न हेड, सबसे पहला बात, फ्लावर हॉर्न हेड का जो फंडा है ना, आपको जब आप फिश आप ले रहे हो तो उसकी जो जेनेटिक्स होती है, दैट इज़ दी मेन की। आपकी अगर फिश की जेनेटिक्स अच्छी नहीं है तो वो फिर कभी भी कुछ भी आप कर लो, वो वैसा ही दिखेगा जैसा उसका जेनेटिक्स है। और अगर आपकी फिश जेनेटिक्स अच्छी है तो आप उसको जो भी खिलाओ वो 60% 70% खूबसूरत दिखेगी। अच्छा। और आपका हेड अगर आपको चाहिए वो दिखेगा, उसके जेनेटिक्स में है। बट सिर्फ जेनेटिक्स होने से भी नहीं होता है। अगर आपके सपोज आपके जो जेनेटिक्स में है, आप वेस्ट मतलब आपके जो लाइक आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपके फादर हो गए, ग्रैंड ग्रैंडफादर हो गए, सब टॉल है, सब मस्क्यूलर है, बट फिर भी आपको जिम जाना पड़ता है टू लाइक और भी उसको अच्छा से निखारने के लिए, ठीक है, और भी थोड़ा बूस्टअप करने के लिए, निखारने के लिए। तो उसके लिए हमेशा फ्लावर हॉर्न की, अगर आप हेड की बात करो, कलर की बात करो या कुछ भी बात करो, तो एक बढ़िया सा खाना आपको फ्लावर हॉर्न को देना पड़ेगा और टेक केयर करना पड़ेगा। तो खाना में अगर आ करते हैं तो ये सुप्रीम फीड है, जो फ्लावर हॉर्न जानते हैं ऑल ओवर इंडिया, लाइक वो जानते ही हैं इसके बारे में कि वॉट इज सुप्रीम और ये काम कैसे करता है। ये रहा सुप्रीम, इसका मैं ब्रोशर्स डाल दूंगा, आप दे देना जो भी इसके फीचर्स वगैरह हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये एक्वाबॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाला हॉट केक है, क्योंकि ये हम लोगों ने जब इसको लॉन्च किया था तो बहुत बढ़िया इसका हमारे पास रिव्यूज़ आए थे, बहुत बढ़िया हमारा लाइक लोग इसको पसंद करने लगे बहुत अच्छे तरीके से, और अभी भी ये हॉट केक बना है। इसका सबसे अच्छा सेल के लिए, और अभी तक जीरो कंप्लेन है हमारे पास, जो भी भाई लोगों ने यूज़ किया, जो भी फिल्म अभी लोगों ने यूज़ किया, सब अप्रिशिएट करते हैं, और ये बिना मांगे ही हम लोग बिकता है। तो इसका जो बेस फीचर्स है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर एक फ्लावर ऑन रखते हो तो आप उसको हेड के लिए एक अच्छा खाना खिला रहे हो, कलर के लिए एक अच्छा खाना खिला रहे हो, पर्ल्स के लिए एक अच्छा खाना खिला रहे हो, मतलब तीन जगह आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट इसमें क्या, तीनों का तीनों एक फूड मिल जाता है, ठीक है, आपका हेड, आपका कलर, आपका पर्ल्स। अब अगर थोड़ा मैं डिटेल्स में जाऊं, अगर आप हेड का सिर्फ बात करें तो इसमें जो हम लोगों ने प्रोटीन यूज़ किया है वो बिल्कुल बहुत फाइन प्रोटीन हम लोगों ने यूज़ किया है, लाइक वी यूज़ सैल्मन, वी यूज़ टूना, तो वो सब हम लोगों ने यूज़ किया। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा यूज़ कर दिया जो थोड़ा दिन के लिए चले फिर फिश का तबियत खराब हो, तो ऐसा नहीं है। तो अपना जो प्रायोरिटी, हम लोग हॉबीस्ट आदमी है तो अपना प्रायोरिटी यही है कि फिश का ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहे,
तो कॉक के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा लेवल का यूज़ किया गया है, जो कलरेशन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है, लोग अक्सर ग्राम के लिए यूज़ करते हैं, कैराफिल्स या सेक्स यूज़ करते हैं, पर हम लोगों ने जो उसका नेचुरल सोर्स होता है, जो भी कलर का नेचुरल सोर्स है, वो हम लोगों ने यूज़ किया है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी को लेके आपकी फिश की कोई दिक्कत नहीं है, या गट लोड में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कलर लाने के लिए मैं एकदम से कुछ ऐसा डाल दूँ कि झट से कलर आ जाए और मच्छी की तबीयत खराब हो जाए, तो वो नहीं कर रहे। तीसरा पर्ल्स के लिए, पर्ल्स के उन्होंने ब्रू ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी का हम लोगों ने यूज़ किया है एक्सट्रैक्ट का, जिससे आपका पर्ल्स बहुत वाइब्रेंट आता है। और ये रहा तीन चीज़ मेन जो इसका फीचर्स है। हर फूड में जो हम लोग फ्लावर ऑन रखते थे ना, तो हम लोग जो भी फ्लावर ऑन कीपर्स है हमारे थ्रू आउट फिलो ऑफिस जितने भी ऑल ओवर है, तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत हमेशा ये रहता है कि उनको पेट का बहुत दिक्कत आता है फ्लावर ऑन को, क्योंकि उनके गट लोड में प्रॉब्लम होता है, वाइट पूप करने लगते हैं, ब्लॉट होने लगता है। तो ये फूड के अंदर जो लीवर एंजाइम हम लोगों ने दिया है लीवर गार्ड का, ये क्या काम करता है कि जो भी आपके गट लोड में फिश के पेट के गट लोड में जो भी है, वो डिटॉक्सीफाई करता है लीवर को, कि वो अच्छा से खाने चीज़ों को जो भी चीज़ों को प्रोसेस कर पाए, क्योंकि अगर पेट सही है तो आप बिल्कुल सही रहोगे। तो ये जैसे ही वो उसको डिटॉक्सीफाई करता है और लीवर को आपका बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन में रखता है, तो ये फिश अगर इनिशियल स्टेज में एकदम इनिशियल से जहाँ पे आपका फिश थोड़ा खा रहा है, थोड़ा सा वाइट टूप कर रहा है हल्का, अगर ये सुप्रीम खा रहा है तब भी वो उससे निजात पाता, लाइक वो उसको भी हेल्प करता है। तो ये तीन चार चीज़ हो गया। एक चीज़ फूड के अंदर मेरे को ये बोलना है, लोग बोलते हैं हार्मोन, ये बहुत बड़ा लाइक अपने में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हार्मोन यूज़ नहीं करते हैं लोग फूड में, बिना हार्मोन का कोई फूड नहीं बनता है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी लोग कुछ भी बोल दें, अगर बिना हार्मोन का फूड बनता तब कुछ मतलब नहीं है, तब हर एक फिश के फूड में हार्मोन, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, कोई भी एक्सवाइजी कंपनी है, वो बोलती है कि आपका फिश का कलर तीन दिन में आ जाएगा। तीन दिन में कलर कैसे आएगा? अगर आपका फिश का कलर है, वो पिगमेंटेशन है, तभी उसको वो इनहेंस करता है। अगर आपका फिश में कलर नहीं है, आप कुछ भी खिला दो नहीं होगा, फिर आपको एशियन पेंट्स ही मारना होगा उसके बदन के ऊपर, और कोई उपाय नहीं है। तो अगर तीन दिन में अगर आपका फिश का कलर डल है और बहुत वाइब्रेंट हो जाता है, तो आपको खुद भी समझना चाहिए इतना जल्दी कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा यूज़ हो रहा है जहाँ पे जो यूज़ नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी जाता है, कोई भी चीज़ स्लो एंड स्टडी पड़ता है। अगर आपका जिन में अच्छा है तो वो 10 दिन में दिखाएगा, जिसका जिन में थोड़ा लेट है वो थोड़ा देर में दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तीन दिन में दिखा देगा फिर आप बोलते हो कि हार्मोन फ्री फील्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोन सब में रहता है, आपको दिमाग में ही लगाना है। आपको ये देखना है कि कंपनी कौन सी हार्मोन यूज़ करती है कि जो आपके फिश को प्रॉब्लम ना हो। तो अपने जो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बोले कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे खुद ब्रूडर्स खाती हैं, मेरा ब्रूडर्स फिश ये खुद खाता है, तो ये पता है हम लोगों को। और मैं ये आज से नहीं, बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिनों से लोग बोलते हैं कि दादा आप क्या खिलाते हो, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको बनाते हैं और फिर मार्केट में लाते हैं, फिर आप लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हो गया। ये रहा सुप्रीम के लिए। एंड हाउ मच इज दिस? ये अच्छा, हमारा जो सबसे बड़ा है, हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो MRP के अंदर बेचते हैं। MRP के अंदर बेचने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि उसकी MRP रहती है 10 रुपये और उनका सेलिंग रहता है 6 रुपये का, हाँ, या 5 रुपये का, 4 रुपये का। तो इससे क्या होता है कि कोई लोग अगर उनसे बहुत ज़्यादा बल्क में लेते, सपोज किसी ने 100 पीस लिया और वो 6 रुपये में उसको बेच दिया, किसी ने 10 पीस लिया उसने उसको 7 रुपये में बेचना है, जाहिर सी बात है। तो अब जो 100 पीस लिया वो 10 रुपये की जगह 9 रुपये में भी बेच सकता है, या 8 रुपये भी बेच सकता है, या 1 रुपया लेके बेच सकता है, लेकिन जिसने ज़्यादा दाम में उठाया वो तो उसको कम्पीट नहीं कर पाएगा। ठीक। तो इसका मतलब है जो ज़्यादा दे रहा है उसका भी, जो कम दे रहा है वो ट्रैप हो जाए। तो ऐसा नहीं है, हमारा सारा का सारा MRP ही में ही बिकता है, जो MRP है उसी में बिकेगा। मेरे आप थ्रू आउट इंडिया ढूंढ लीजिए, आप कहीं 1 रुपये भी कम कर दो कोई नहीं देगा। अगर आपका कोई भाई बंधु है तब शायद दे दे, लेकिन 1 रुपया कोई भी कम करके नहीं देगा। इसका प्राइस है 499 फॉर 125 ग्राम्स, क्योंकि अगर आप 499 को अगर देखें 500 रुपये का फूड आता है। अगर XYZ अगर कोई भी फूड को देखते हैं तो हेड के लिए आपको 350-400 खर्चने पड़ते हैं, कलर के लिए दूसरा खर्चने पड़ता है। तो फिर आप दो तीन खाना जब खिलाते हो ना, तो हमेशा एक माइंड पे रखो, 2-3 खाना खिलाने का मतलब क्या होता है, एक कंपनी ने अपना एकदम सोच से जो बेस्ट सोच है उसका वो इंग्रेडिएंट्स दिया, जो दूसरी कंपनी है वो ये सोच भी नहीं सकती कि ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है कि नहीं, वो फिर अपना दिमाग लगाएगी। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो जाता है कि जो खाना में सबसे बड़ा है, प्रोटीन तो आप दे रहे हो लेकिन आपको फाइबर भी देना है फिश के अंदर, जो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके निकाले। किसी कंपनी ने दिया ही नहीं है, लाइक व्हाट टू से, फाइबर दिया ही नहीं, और किसी कंपनी ने फाइबर बहुत दिया, दोनों कंपनी ने फाइबर नहीं दिया और वो आप फिश को खिला रहे हो, तो ब्लॉट तो होना ही है। ये थोड़ा सा चले, कभी भी कुछ भी खिलाए, कैसे होता है कि अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो तो एप्पल का सारा कुछ आदमी यूज़ करता है तो पूरा एप्पल का ही हो जाता है, या सैम लोग का एक होता है ना कि फिलिप्स का साउंड सिस्टम है तो मेरा फिलिप्स का लाइट भी होना चाहिए, तो एक अच्छा फील आता है। प्लस एक कंपनी आपके रिक्वायरमेंट को समझ पाती है तो क्लियर चलता है चीज़ें। पर डे मतलब कितना टाइम
खिलाएगा, फीड करना है। फीड करने का ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा आप जिस फिश को जैसा आप खिलाते हो, अगर आप कोई भी फूड खिला रहे हो जैसे खिलाते हो उसको भी आप वैसा ही खिलाइए। ये नॉर्मल फूड के जैसा है, बस इसमें एक चीज क्या है कि हम लोगों ने जो सोर्स यूज किया है बहुत बढ़िया यूज किया है, तो आप यूज कीजिए, आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी दादा ने बोला, मैं मिस कर जाता, याद आ गया, बोल रहा हूँ कि हेड बढ़ाने का, फिश का सिर्फ हेड नहीं बढ़ता है, ये मिथ है। ऐसा कोई भी खाना आज तक नहीं बना जो फिश का सिर्फ हेड निकाले, वो ओवरऑल बॉडी में एक लाइक बूस्ट लाती है, तो जिससे आपको हेड पे भी दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे सोच सकते हो कि आप जो खाना खाओगे आपका सिर्फ चेस्ट ही बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या? आपका पेट भी बढ़ेगा, आपका थाई भी बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। पूरा बेसिक नॉलेज है इधर, इधर कोई आतिमा था, कोई कुछ नहीं, कुछ है। नहीं है दादा साहब, लॉजिक है, आप बताओ ना, सबका सब कुछ लॉजिक। अभी बहुत कुछ आने वाला है, आपके जो भी फिश के प्रॉब्लम होते हैं, मैं बोलता हूँ लोग वाइट पूप के लेके दवा करते हैं, वो सब जब प्रॉब्लम होने लगता है तब करते हैं, बट मेरा है क्या, आप प्रिकॉशन लो ना, आप ट्रीटमेंट के पहले प्रिकॉशन ले लो, आपका फिश वहां तक जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो वो सब बात करते हैं इसके बारे में, बोलते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बिल्कुल, हमेशा आप क्या चाहोगे कि आपका तबियत खराब है, आप वेट करोगे मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, या आप सोचोगे नहीं मेरे को आज बारिश में नहीं निकलना है, मैं नहीं भीगूंगा तो मेरे को सर्दी नहीं लगेगी, मेरे को लगा हुआ है तो सर्दी नहीं लगेगी, तो मैं, या तो फिर आप सोचोगे नहीं मैं सर्दी में जाऊंगा, मैं बारिश में जाऊंगा अननेसेसरली, फिर तो पैरासिटामोल खाना ही है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर आपको मजा आता है उसमें कुछ करने का नहीं है। और दादा मेरा और एक सवाल है कि बिगिनर्स लोग अगर ये फीड लेके घर जाएगा तो आपका पास कोई सजेशन लेंगे तो आप देंगे उसको? दादा फीड लो ना लो, कुछ खरीदो हम लोग से ना खरीदो, लेकिन जो मछली की जान है ना उसका बहुत केयर करते हैं हम लोग। कभी भी मैं नंबर डाल दूंगा, बेफिक्र फोन कीजिए। हाँ कभी बिजी हो सका, गाड़ी वाड़ी चला रहा तो फोन नहीं ले पाऊंगा, मैसेज डाल दीजिए बिल्कुल अपने आएंगे और आपको बेस्ट अपना लाइक देंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग भी लाइक पूरा जान के नहीं है, हम लोग भी मार्केट में रहते रहते सीखे, तो ये जब तक हम लोग सीखा हुआ आगे नहीं पढ़ेंगे तो लेगेसी कैसे चलेगी। फ्लावर हाउन के अंदर फेसबुक के अंदर हमारा कोलकाता फ्लावर फेडरेशन है, वहाँ पे आइए, बहुत दिग्गज दिग्गज लोग हैं जो आपको सजेशन दे सकते हैं। सीखने में पूछने में कोई बुराई नहीं है, आप जब तक नहीं पूछेगा तब तक आपको कोई बताएगा नहीं, तो आप पूछिए ना, हम लोग बताने के लिए तैयार है। लेना ये लेना ये दूसरा बात है, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, लेकिन मछली एक जान है यार, अगर उसको तकलीफ होती तो बोलिए, जितना बन पड़ता है हम लोग अपने आपसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।